एक अपने जीवन से, अपने अनुभव से एक बात ख्याल में आती है। यदि आप किसी चीज का नेतृत्व करना चाहते हैं, यदि आप प्रभावना करना चाहते हैं, यदि आप टीम को लेकर चलना चाहते हैं, तो आप में भारी सरलता होनी चाहिए, भारी सहजता होनी चाहिए, सबको साथ लेने का, लेकर चलने का जज्बा होना चाहिए। आप यदि एकला एकला चलो की नीति पर चलेंगे तो आप संगठन नहीं चला पाएंगे, आप प्रभावना नहीं कर पाएंगे। हाँ, आराधना अकेले होती है, पर प्रभावना में तो कम से कम दो लोग तो चाहिए ही। इसलिए मेरे भाई, बड़े दिल के बनना, सबको खूब प्यार देना, सबको खूब अपनाना, वात्सल्य की बरसात करना, तो प्रभावना होगी। कोई बहुत आशा भरी निगाह से आपके पास आता है, आप उसे निराश नहीं करना, प्रेम देना, संभालना, स्थितिकरण करना। जगत में जीव बहुत दुखी है, लेकिन यदि उसे कोई पीठ पर हाथ फेरने वाला ही मिल जाता है, तो उसका थोड़ा सा दर्द कम हो जाता है। इसलिए यदि आपके हृदय में दूसरों के हित की, उन्हें मार्ग में लगाने की भावना है, तो आपको अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा, बहुत सरल बनना पड़ेगा, बहुत सहज बनना पड़ेगा, सबको अपनाना पड़ेगा, सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। उपेक्षा आपने किसी की करी तो उसका और दिल दुख जाएगा। इसलिए नेतृत्व वे लोग कर पाते हैं जो हृदय से सरल होते हैं, सबके प्रति दया का भाव होता है, वात्सल्य का भाव होता है, प्रेम का भाव होता है, सबके हित की भावना हृदय में होती है, अंतरंग से सबको अपनाना चाहते हैं। यदि ये सब खूबी आप में हो, तो आप नेतृत्व कर सकते हैं, अन्यथा शांत भाव से आराधना में ही लगे, समय खराब ना करें। विचार ना भाई।